डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को फंसा दिया। देखते हैं कैसे फंसा दिया, तो फिर इस पर बात करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पाकिस्तान जो है वो भारत में टेररिज्म को सपोर्ट करता है, आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करता है, हथियार देता है, सपोर्ट देता है, तो आप कहेंगे कि इसमें कौन सी नई बात है भाई, ये तो सब जानते हैं। हालांकि पाकिस्तानी से इनकार करते हैं, भारत ने तो हर इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान पर आरोप लगाए हैं। लेकिन दोस्तों, इसमें नई बात है, और वो नई बात ऐसी है जो पाकिस्तान को तगड़ा झटका देने वाली है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पाकिस्तान और उसके एंटी इंडिया टेरर कनेक्शन का खुलासा किसने किया है, भारत के आरोपों पर किसने अपनी मुहर लगा दी है, और यह भी कि पाकिस्तान पर अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि इंडियन डिप्लोमेसी के चाणक्य माने जाने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कैसे पाकिस्तान को फंसा दिया है। साल 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स कंट्रीज के हेड के सामने पाकिस्तान को मदरशिप ऑफ टेररिज्म करार दिया था। दिसंबर 2022 में यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल ऑन ग्लोबल टेररिज्म अप्रोच की अध्यक्षता के बाद भारत के विदेश मंत्री ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म कहा था। भारत में आतंकवाद में अपना पैसा, अपना अपनी पावर और अपना ईमान तक झोंक देने वाले पाकिस्तान को भारत के इन आरोपों से बहुत बुरा लगता है। भारत जब भी टेररिज्म को लेकर उस पर एलिगेशंस लगाता है, पाकिस्तान ऐसे बिलबिलाता है जैसे किसी ने उसके दुम पर पैर रख दिया। लेकिन हर बार वो इन आरोपों को झूठा बताकर अपनी जान छुड़ा लेता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान पर टेररिज्म का आरोप भारत ने नहीं बल्कि उसके पहले मालिक अमेरिका ने लगाया है। थोड़ा सा क्लियर कर दूं दोस्तों, पाकिस्तान के दो मालिक हैं, पहले नंबर पर अमेरिका है और दूसरे नंबर पर है चीन, जो आजकल ताज़ा मालिक बना हुआ है। तो पाकिस्तान जो कुछ करता है, जो पॉलिसीज बनाता है, जो सरकारें बनाता है, वो सब कुछ इन्हीं दोनों मालिकों के इशारे पर करता है। खैर, तो मैं बता रहा था कि भाई अमेरिका ने पाकिस्तान पर टेररिज्म को लेकर संगीन आरोप लगाए हैं। क्या है वो आरोप, ये मैं आपको बताता हूं। ये है वो रिपोर्ट जिसने पाकिस्तान को दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। अमेरिका की ये रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को बढ़ाने वाला हिस्ट्री शीटर है। ये रिपोर्ट दुनिया भर में अलग अलग देशों के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बनाई गई है। 5 फरवरी 2024 को जारी की गई इस रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान के बारे में भी लिखा गया है। पेज नंबर 26 देखिए। रिपोर्ट के इस सेक्शन में क्या लिखा है आपको बताता हूं। देखिए, लिखा है पाकिस्तान्स लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स। क्या मतलब हुआ इसका दोस्तों? इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका के इस एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि भारत के खिलाफ मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करना पाकिस्तान का इतिहास रहा है। यानी अमेरिका ने सीधे सीधे पाकिस्तान को आतंकवाद को सपोर्ट करने वाला हिस्ट्री शीटर बता दिया। रिपोर्ट में और क्या लिखा है ये तो बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको सुनवाता हूं। पाकिस्तान के पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं अपने आप को डॉक्टर कमर चीमा, वो इसके बारे में क्या कह रहे हैं। एक अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट जो है ये एक एनुअल थ्रेट असेसमेंट है यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, और ये जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं उन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है। ये रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए, चाइना के लिए। जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी हुई है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इंतहाई फेल्ड डिप्लोमेसी है, मुझे नहीं पता हम क्या कर रहे हैं,
रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंटी मिलिटेंट ग्रुप्स इन इंडिया, ये रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान की एक लंबी हिस्ट्री है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। सुना आपने, चीमा साहब ने इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए जो तारीफ लिखी गई है उसी पर बात की, लेकिन इसमें उन्होंने कुछ शब्द और जोड़े। वो शब्द थे पाकिस्तान की फेल्ड डिप्लोमेसी। डॉक्टर कमर चीमा ने अमेरिका की इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट को लेकर पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पर निशाना क्यों साधा? एक्चुअली अमेरिका की इस एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट ने भारत के उन आरोपों पर मुहर लगा दी है कि पाकिस्तान आतंकवाद को सपोर्ट और फैसिलिटेट करता है। इस रिपोर्ट में इन बातों का लिखा होना यह बताता है कि अमेरिका की सरकार भी मानती है कि पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिविधियों को न केवल सपोर्ट करता है बल्कि आतंकी संगठनों को भी हर तरह से मदद पहुंचाता है। इस रिपोर्ट में एक और जबरदस्त बात लिखी गई है, वो ये कि पाकिस्तान के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने की वजह से ही भारत ने बातचीत के बदले मिलिट्री फोर्स से इसका जवाब देने का फैसला किया है। इस चीज ने इंडिया के अंदर विलिंगनेस बढ़ा दी है, इंडिया के अंदर ये चीज बढ़ा दी है, और पर्टिकुलरली अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी साहब, कि वो पाकिस्तान को मिलिटरली रिस्पॉन्ड करेंगे। सो या एक तो ये चीज है, या फिर ये है कि जो आपका जो रियल पाकिस्तानी प्रोवोकेशन जो है वो रिस्क ऑफ एस्केलेशन जो है ड्यूरिंग द क्राइसिस बढ़ा सकती है इंडिया पाकिस्तान के हवाले से। वो फिर कह रहे हैं, कहते हैं ये जो पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट करता है उसकी वजह से इंडिया के अंदर विलिंगनेस है कि हमने सिर्फ मिलिट्री फोर्स के जरिए चीजों को डील करना है, या पाकिस्तान रियली प्रोवोक कर सकता है तो उसमें एस्केलेशन हो सकती है। सो ये पॉइंट है, यानी अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट के जरिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर के उन बयानों की पुष्टि कर दी कि पाकिस्तान टेररिज्म का मदरशिप और एपिक सेंटर है। अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तान के बारे में साफ साफ यह लिखा जाना इंडियन डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, और यह पाकिस्तानी एक्सपर्ट भी मान रहे हैं, और जाहिर है इसलिए कमर चीमा इसे पाकिस्तानी डिप्लोमेसी का फेलियोर बता रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा से खुद को आतंकवाद का पीड़ित, आतंकवाद का शिकार बताता आया है। ये एक्चुअली उसका विक्टिम कार्ड है जो वो दुनिया के सामने अक्सर फेंका करता है। जब भी उस पर टेररिज्म के आरोप लगते हैं, कभी बलूचिस्तान में तो कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी बलोचों के नाम पर, कभी टीटीपी के नाम पर, वो दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिशों में लगा रहता है। लेकिन इस बार अमेरिका उसके झांसे में नहीं आया, बल्कि यूं कहें कि भारत ने इस बार अमेरिका को पाकिस्तान के द्वारा बेवकूफ नहीं बनने दिया। तभी तो कमर चीमा कह रहे हैं कि दुनिया पाकिस्तान पर तो भरोसा ही नहीं करती। मैं इसमें पाकिस्तान का मौकफ क्या है? पाकिस्तान का मौकफ यह है जी कि हम तो मुतासर हैं दहशतगर्दी की जंग से, हमने तो 70,000 लोगों की जानें दी हैं, हमने तो अमेरिका के साथ मिलकर दहशतगर्दी की जंग लड़ी है, हम तो जनाब $120 अरब का नुकसान करा बैठे हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अमेरिका हमारा एक मेजर नॉन नेटो एलाय रहा है, ठीक है, बड़े अच्छे हमारे ताल्लुकात हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज दैट व्हाई द वर्ल्ड इज सेइंग कि जी पाकिस्तान लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंटी इंडिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्या लॉजिक है इसमें? क्या पाकिस्तान ने कॉन्टिन्यूसली इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये नहीं कहा कि हम कश्मीर इशू को या भारत के हवाले से सिर्फ डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल एंड मॉरल सपोर्ट करते हैं, और हम किसी किस्म की मिलिटेंसी को सपोर्ट नहीं करते? दुनिया क्यों पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं की? जाने भी आप दें, पैसा भी आपका लगे, क्या हमने कभी इस सवाल को एड्रेस करने की कोशिश की है? अमेरिका की रिपोर्ट में पाकिस्तान का बतौर हिस्ट्री शीटर नाम आना इंडियन डिप्लोमेसी का कमाल है। वैसे तो दुनिया के सामने भारत और अमेरिका के बीच कई डिफरेंसेस दिखाई दिए, चाहे वो रूस यूक्रेन वॉर हो, रूस से पेट्रोलियम की खरीद हो, कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर का मारा जाना हो, या अमेरिका में खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट पुन्नू पर अटैक के आरोप हों, भारत और अमेरिका आमने सामने खड़े नजर आए। लेकिन जब उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई तो वो भारत के फेवर में थी और पाकिस्तान के अगेंस्ट में थी। कुछ दिनों पहले म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का दिया बयान बहुत चर्चा में आया था। मिनिस्टर जयशंकर, इंडिया हैज मोर ऑफ अ मल्टीपल चॉइस माइंडसेट, वुड दैट बी राइट, फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू, आई थिंक यू मे हैव कॉल्ड इट और समबडी एल्स कॉल्ड इट, ऑल अलाइनमेंट, सो यू कैन पिक एंड चूज
alliances, but you can also pick and choose topics. On Russia, for example, you still buy Russian oil. Is that okay with your counterpart from the US? Everything is, your relationship is fine. You can do whatever you want, whenever you want. Your question, do we have multiple options? Answer is yes. Is that a problem? Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You know, you shouldn't be criticizing. Now, is that a problem for other people? I don't think so. जयशंकर का ये बयान भारत की डिप्लोमेसी की ताकत को दिखाता है। अमेरिका के विदेश मंत्री के बगल में बैठकर अमेरिका और रूस के साथ एक साथ बेहतर रिलेशन को लेकर जयशंकर के इस बयान ने पूरी दुनिया को हिला दिया। इस स्टेटमेंट में भारत का कॉन्फिडेंस भी दिखाई देता है। तो अमेरिका की इस रिपोर्ट में एस जयशंकर की डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा रोल नजर आता है। दोस्तों, अमेरिका की पॉलिसी में भारत का असर बहुत मजबूती से बढ़ रहा है। भारत ने ग्लोबली अपनी पोजीशन इतनी मजबूत बना ली है कि अमेरिका उसे इग्नोर नहीं कर सकता। डायरेक्टली तो नहीं, इनडायरेक्टली कर ले, डायरेक्टली नहीं। कई डिफरेंसेस के बाद भी अमेरिका भारत को साइडलाइन कर पाकिस्तान को अपनी गोदी में नहीं बिठा सकता। वो जानता है कि अगर उसने ऐसा किया तो अब उसे इसका सीधा नुकसान उठाना पड़ेगा। यानी भारत को लेकर अमेरिका का नैरेटिव जो है वो चेंज हुआ है। अभी मैंने आपको इसके पीछे एस जयशंकर की डिप्लोमेसी के बारे में बताया। एक और शख्स हैं जिन्होंने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अजीत डोवाल भारत के एनएसए हैं। एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अजीत डोवाल भी सिक्योरिटी के लिहाज से डिप्लोमेटिक पॉलिसीज में बड़ी भूमिका निभाते हैं। भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप के बीच डोभाल एक ब्रिज का काम करते हैं। डोभाल का अमेरिका पर कितना असर है, यह आप अमेरिका के एम्बेसडर एरिक गार्सिटी के उस बयान से समझ सकते हैं जिसमें उन्होंने डोभाल को इंटरनेशनल ट्रेजर बताया था। अब थोड़ा पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पर भी बात कर लेते हैं। कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर 10 दिनों के अमेरिकी दौरे पर थे। कई डिप्लोमैट से लेकर यूएस आर्मी के बड़े ऑफिसर से मिलकर आए। मीटिंग ऐसी की जैसे अमेरिका और पाकिस्तान के बीच न जाने कौन कौन सी डील हो गई। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जब अमेरिका ने अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट पब्लिश की तो उसमें पाकिस्तान को टेररिज्म को सपोर्ट करने वाला हिस्ट्री शीटर बता दिया। दोस्तों, अमेरिका की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में पाकिस्तान को आतंकी संगठनों का सपोर्टर बताए जाने का क्या असर होगा ये बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दूं कि ये भारत की डिप्लोमेसी की कोई पहली जीत नहीं है। अभी हाल ही में कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों की सकुशल रिहाई इंडियन डिप्लोमेसी का डंका बजा रही है। यूक्रेन समेत कई युद्धग्रस्त देशों से सभी भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया जाना भी बहुत बड़ी उपलब्धि साबित हुआ है। और अगर हम टेररिज्म की बात करें तो उसमें भी बड़ी कामयाबी मिली है। पिछले साल यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया था। यह भारत की बड़ी जीत थी। मक्की लश्कर ए तोयबा चीफ हाफिज सईद का रिश्तेदार है। जम्मू कश्मीर में हुए कई हमलों में मक्की का नाम आ चुका था। भारत बहुत दिनों से कोशिश में था कि मक्की को यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करवाया जाए, लेकिन चीन हर बार इसमें अड़ंगा डालने की कोशिश करता था। लेकिन भारत की डिप्लोमेसी ने चीन को भी अकेला कर दिया और आखिरकार उसमें सरेंडर कर दिया। मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट यूएन के द्वारा घोषित करवा ही दिया गया। तो आप समझिए कि भारत की डिप्लोमेसी की ताकत कितनी जबरदस्त है कि वो ग्लोबली चीन को भी पीछे हटने पर मजबूर कर रही है। अब आपको बताता हूं कि अमेरिका की इस रिपोर्ट का पाकिस्तान और पाकिस्तान के भविष्य पर क्या असर होने वाला है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की हेडलाइन को देखिए। पाकिस्तान में एक दो नहीं बल्कि 139 ग्लोबल टेररिस्ट हैं और ये 2018 की रिपोर्ट है। यानी मक्की के ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किए जाने के बाद ये नंबर 140 हो चुके हैं। तो अगर भारत ये कहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का एपिसेंटर है तो क्या गलत कहता है? ये तो सबूत है ना, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट 140 हो गए। जैसे अमेरिका की रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारत के खिलाफ मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करना पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, ठीक वैसे ही एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाना भी पाकिस्तान का इतिहास रहा है। और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान क्यों जाता है? क्योंकि हवाला, टेररिज्म, आतंकवाद, इन सब की वजह से। तो 2008 में पाकिस्तान पहली बार एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ था। 2010 में वो इस लिस्ट से बाहर आ गया, लेकिन 2012 में उसकी इस लिस्ट में फिर एंट्री हो गई। 2015 में वो बाहर हुआ, लेकिन 2018 में वो तीसरी बार इसमें शामिल हो गया। इसके बाद वो लगातार इस लिस्ट में बना रहा। अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बड़ी मुश्किल से बाहर आ पाया। देखिए, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में आने का मतलब है कि ये
प्रूव है कि पाकिस्तान आतंकी संगठनों को ना केवल सपोर्ट कर रहा था बल्कि टेरर फंडिंग भी कर रहा था। इस वजह से पाकिस्तान पर कई तरह के फाइनेंशियल सैंक्शंस और रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। और अब यूएस इंटेलिजेंस की ये रिपोर्ट पाकिस्तान को एक बार फिर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट की तरफ धकेल रही है। याद है ना आपको, मैं बड़े लंबे टाइम से कह रहा हूं कि पाकिस्तान एक बार फिर जा सकता है एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में, और ये हो रहा है। देखिए धीरे 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 धीरे, रातों रात नहीं होगा। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आईएमएफ के आगे कटोरा लेकर खड़ा है, आईएमएफ की अगली किस्त का इंतजार कर रहा है, लेकिन अमेरिका की यह रिपोर्ट उसके लिए बड़ा झटका साबित हो सकती है। यूएस इंटेलिजेंस की यह रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के अलावा दुनिया के तमाम ग्लोबल फोरम्स तक जाएगी, एफएटीएफ तक भी। अब जब अमेरिका की रिपोर्ट बता रही है कि पाकिस्तान सालों से नहीं बल्कि दशकों से भारत में टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है, तो जाहिर है ना केवल पाकिस्तान का रेपुटेशन खराब होगा, मतलब और ज़्यादा खराब होगा, बल्कि उसे फंड मिलने में भी मुश्किल आ सकती है। और आने वाली और भी कई चीज़ें हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो या एशियन बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, वहाँ से भी इन्हें मुश्किल मिल सकती है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस इस पॉइंट तक पहुंच चुकी है कि अगर उसमें हल्का सा भी झटका लगा तो ये पूरी तरह बिखर जाएगी। शहबाज शरीफ की नई सरकार अपनी इकॉनमी को दुरुस्त करने के लिए जो कोशिशें कर रही है वो सारी धरी की धरी रह जाएंगी। और अगर ऐसा हुआ दोस्तों, तो यकीन मानिए चीन भी पाकिस्तान को इस बार बचा नहीं पाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि अमेरिका की ये रिपोर्ट पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होने वाली है या हो सकती है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना कमेंट देकर ज़रूर अपनी राय दें। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर बेल आइकन आपने नहीं दबाया तो सब्सक्राइब करने का फायदा नहीं है कोई। बेल आइकन प्रेस रहेगा तभी हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी फौरन आपको मिल जाएगी। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म, यानी कि पाकिस्तान टेररिस्ट की फैक्ट्री है। आज ये यूएसओ ने भी क्लेम कर दिया, यूएसए ने, यूएसए की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आपने देखी, उनकी मतलब ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, ये वो यूएसए जो पाकिस्तान का माई बाप भी है, और माई बाप अपनी औलाद की जो है बुराइयां नहीं करते होते, लेकिन मजबूरी बन गई क्योंकि पाकिस्तान के पाप इतने ज्यादा थे तो वो छुपा नहीं सका। कोई यूएसए जो है ना, वो खुद एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है। वो कैसे? वो खुद एक टेररिस्ट है। पूरी दुनिया, अफगानिस्तान में क्या किया, इराक में उसने क्या किया, यमन में अब फलस्तीनियों के साथ वो क्या कर रहा है, लड़ाई किसी और की, कूद वो बड़ा है। तो छोड़ दो यूएसए, क्यों बात करते हो? यूएस की तरफ क्यों जाते हो? ये बगैर आर्मी चीफ की तस्वीरें, आपने आर्मी चीफ की तस्वीरें देखी उनके आर्मी चीफ के साथ यूं खड़े साथ, जैसे बड़े आपने जुड़वा भाई हैं। तो वो तो उन्होंने पैसे डॉलर देने थे, डॉलर के लिए। तो फिर शेम करनी चाहिए आपको, आपकी आर्मी पर फिर आपको फिर शेम करनी चाहिए। तो शेम कौन नहीं करता, हम तो आप ही करते हो। हम अपने जो जनरल है उनको करते हैं शेम, हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। जनरल वो बेगैरत है और क्या है, हम अपनी आर्मी को जो बाकी है उनको तो अभी भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये चांद देखे अगर ये भी ठीक हो जाए तो ये इनकी ठीक कैसे हो जाए, मतलब मतलब के सिर्फ ये इनका जो काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वो करें, हमारी जो पॉलिटिक्स है उसको छोड़ दें। तो कभी हो नहीं सकता, तो हो क्यों नहीं हो सकता, हो भी सकता है अगर हो जाए ठीक। तो अच्छा, अब्दुलरहमान मक्की को उन्होंने सबूत दिया, मतलब कि पाकिस्तान अब दोबारा जिस तरह लोग सब कह रहे थे कि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाने वाला है, क्योंकि आप इंटेलिजेंस रिपोर्ट, क्योंकि उसके बरक्स पाकिस्तान आईएमएफ के सामने घुटने टेक कर बैठा है, अल्लाह के वास्ते दे दो भगवान, आए मेरे खुदा, क्योंकि पाकिस्तान ने आईएमएफ को अपना खुदा माना हुआ है, यानी कि घुटने मांगे हुए हकीकत है, ऐसे ही है ना, दे तुम्हारा आईएमएफ तुम्हें, तुम देखो तुम्हारी हालत क्या होती है, पतलूनें गीली होती है आपकी, कैसे क्या करोगे अगर। अच्छा, भारत ने ये भी कहा है कि ये जो आप इसको लोन बांटते आईएमएफ को, ये भी बकायदा उन्होंने कहा सुनने में आया कि लोन बांटते ये जो लोन के पैसे हैं इसको हथियार में हथियार खरीदते हैं, और वो हथियार जो है वो भारत के खिलाफ तो सही है, सच है भाई। अच्छा, भारत को मेरा चैलेंज है इंडिया को, ये जो करता है ना ये रोक के दिखा ले, है ना, दुनिया की पांचवी बड़ी इकॉनमी, वर्ल्ड बैंक के जो बड़े चेयरमैन है, सब कुछ है, ये रोक कर दिखा ले।
हर ऐसी कोई दुनिया में ऐसी कोई तंजीम नहीं कोई जिसका इसमें रहमतुल्लाह एक बात ये दिखा ले कि भाई जो इंडिया रोक लेता है, इंडिया जो मर्जी करे अपना इंडिया जितनी मर्जी कोशिश कर ले आगे से आगे बढ़ा रहा है, पाकिस्तान करे तो ये खिलाफ वर्जी हो जाएगी। इंडिया जितनी मर्जी कोशिश कर ले, लेकिन जो कह लें कि हमारे हुक्मरान है ना उनके पास तरीके ही ऐसे हैं। आपके पापा ने आपकी रिपोर्टें अब शेयर कर दी है मोहल्ले में, वो कोई पापा नहीं, अपने वो पापा है, एक मिनट मफाद वो पाकिस्तान के पापा है, दुनिया में वाद मुस्लिम मानो या ना मानो वो पाकिस्तान का पापा है, उसको पता अगर अमेरिका पाकिस्तान का पापा है, बड़ा पापा बड़ा अबू अमेरिका छोटा अबू चाइना। अच्छा उसने हाथ रखा हुआ पाकिस्तान पर क्यों, उसको पता है कि ये मुस्लिम वाद कंट्री जिसके पास है एटम बम है, अगर मैंने इसको हाथ में ना लिया तो ये कुछ भी कर सकती है, कुछ क्या कर सकती कुछ है? मतलब कि एटम बम यूज कर सकती है। अभी अगर ये अमेरिका ना ना होता तो अमेरिका के पास क्या के हाथ पर उसने अमेरिका के पास फलस्तीन और इसराइल का नाम दुनिया से खत्म हो जाना था। मैं तुम्हें दावे से कह सकता हूँ अगर अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर हाथ ना रखा होता, पाकिस्तान को जो है वो आर्मी चीफ को ना खरीदा होता। एस जयशंकर की भी बयान सुनाया लोग सर ने, मतलब मुद्दा ये है ये बोला था ब्रिटेन के बारे में बोला वो अंडमान का नारा था ना, उसने नेटो की सप्लाई को रोक दिया, एपी सेंटर ऑफ टेररिस्ट बोला, ये तो खुद हम भी कह रहे थे हम से डालर लेते हैं सब कुछ करवाते हैं, आज डालर बंद हो जाए हम लेने बंद कर दें, तो अमेरिका को भी चैलेंज वो कुछ पाकिस्तान में करके दिखा, पाकिस्तान को मनवा के बाद दिखा। ये इंडिया की डिप्लोमेटिक विन वाकई जिस तरह लोग कर रहे हैं, तो वो कतर से 8 नेवी ऑफिसर छुड़वाना, मैं तो यकीन कर शॉक्ड हो गया था जब ये पिछले कुछ दिनों पहले 5 पाकिस्तानी जो है उनको लटकाया गया सऊदी अरब कतर से, इंडिया ने छुड़वा लिए जिनको सजाए मौत थी, लेकिन 5 जो पाकिस्तानी उनको पाकिस्तान जो है वो ना बचा, पावर ये है डिप्लोमेसी है, कोई बात नहीं किया फिर। मैं तुम्हें बताता हूँ पीछे क्राइम देखो कि क्या उन्होंने किया, इंडियन ने किया पाकिस्तान, ना देखो आप दोनों देखो क्राइम ना देखे, दोनों साइडों पे सजाए मौत है, जिसने कत्ल किया उसको कत्ल करना चाहिए, और ये शरिया का ये शरिया में भी कानून है इस तरह ही होना चाहिए। नहीं तो जो नेवल ऑफिसर थे उसने कौन सा कत्ल किया, कत्ल को छोड़ दिया, सजा क्या थी उनको, उनकी सजा मौत थी, तो फिर दोनों तरफ सजाए मौत ही है यार। मुद्दा जो भी था ना, मुद्दा था नहीं यार, रहमतुल्लाह पढ़ लिया करो थोड़ा सा, जब सजा हो गई पीछे नहीं देखा जाता किसकी केस क्यों देखा जाता, सजा हो गई वो मुजरम ठहराए गए, 8 नेवी कैनेडा ने ब्लेम क्लेम किया था ना दूसरे पर इंडिया पर कि वो सिख वाला कि इंडिया मरवा कर गया यहाँ पर, उसके पास सबूत नहीं थे इसलिए वो आगे मसले को नहीं लेकर गया, उसने वहां पर खत्म कर दिया, अगर ये इनके पास होते कतर के पास तो ये कभी भी नहीं छोड़ा, कतर के पास यानी नहीं कतर के पास कोई सबूत नहीं थे इसलिए उन्होंने अब्दुर रहमान मक्की को इंडिया ने टेररिस्ट डिक्लेयर करवाया, ये इंडिया के पावर फिर 139 एंट्रीज जो है उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करवाया, इंडिया की डिप्लोमेसी विन, आपने नेवी ऑफिसर को छुड़वाया डिप्लोमेटिक विन, पाकिस्तान के 5 लटकाए, ये डिप्लोमेसी फेलियर, पाकिस्तान के अब्दुर रहमान मक्की टेररिस्ट डिक्लेयर, ये पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फेलियर, 139 मतलब एंट्रीज टेररिस्ट एंट्रीज पाकिस्तान डिप्लोमेटिक फेलियर, ये है डिफरेंस, एक तरफ विन और एक तरफ फेलियर, एक तरफ लूजर एक तरफ विनर, ये है तुम्हारी और इंडिया की कंपैरिजन सिंपल लफ्जों में। खैर मैं ये भी इस हाथ में हूँ जो टेररिस्ट हैं उनको लटकाया जाए, पाकिस्तान फैटम में जाता है तो जाए, लेकिन ये एंट्रीज बंद होनी चाहिए, ये जो जिहाद के नाम पर फितना फसाद शुरू कर रहे हैं, हकीकत में जिहाद है बिल नफ्स जिसे जिहाद अकबर कहते हैं, वो को करने को तैयार कोई नहीं है, दूसरे की जब बेगुनाह मुसलमानों नॉन मुस्लिम की जान को उड़ा देना ये जिहाद है, ये कहाँ का जिहाद है। मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साहब तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।